किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स. तो वीक फोर्स हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, मतलब आफ्टर 12 के भी बाद. ठीक है, हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर के बारे में पढ़ते हैं क्लास 12 में, जैसे न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसके अलावा हम लोग जो भी तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सभी टाइप के फोर्सेस को. तो पहला डिस्कस हम लोग किए थे वेट के बारे में. वेट जो है एक बेसिक फोर्स है. ठीक है, हम लोगों को पता है कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे हमेशा वेट एक्ट करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमेशा वेट एक्ट करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब यदि हम लोग ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखें या फिर किसी स्मूथ सरफेस पे रखें, तब हमेशा क्या होगा, अगर वो फ्री फॉल भी हो, उसको ऊपर की तरफ फेंके अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, वेट हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही लगेगा. ठीक है, वेट हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही रहेगा. तो हम लोग वेट को डिस्कस किए थे. इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले नॉर्मल रिएक्शन आज, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ टेंशन, टेंशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो है टेंशन. तो कल हम लोग देखे थे क्या, वेट. आज हम लोग देखेंगे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, और ये देखेंगे कि इस तरह हम लोग फ्री बॉडी प्रॉब्लम के डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, FBD बोलते हैं लोग, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले टेंशन फोर्स के बारे में. टेंशन, टेंशन फोर्सेस, फोर्स. ठीक है, टेंशन फोर्स. देखो, टेंशन फोर्स एक्चुअली स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स है. स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, जब भी स्ट्रिंग, ये फोर्स तब एक्शन में आएगा. टेंशन फोर्स कब एक्शन में आता है, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होता है या फिर टॉट होता है, है ना. जब स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, जब उस पर लोड स्ट्रिंग पे दे रहे हैं हम लोग, तो यदि स्ट्रिंग जब स्ट्रेच हो रहा है या टॉट हो रहा है, उस समय उस पर हमेशा टेंशन फोर्स एक्ट होगा. तो एक तरह से देखा जाए तो एक इंट्रैक्शन फोर्स है. ठीक है, स्ट्रिंग्स में, और ये हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगता है, हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग रहेगा. और साथ साथ क्या होगा, ये इसका नेचर जो है पुलिंग होगा. इट इज पुलिंग बाय नेचर, बेसिकली ये पुल करता है, पुलिंग नेचर का होता है. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंशन. समझ में आ गया टेंशन क्या होता है. देखो, इसका एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा. जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक कोई भी रिजिड सपोर्ट लेते हैं ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक कोई भी इसके साथ यहाँ पे ऐसे एक मासलेस स्ट्रिंग को, अभी मासलेस कंसीडर करते हैं. ठीक है, एक मासलेस स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, और यहां से हम लोग एक ब्लॉक को, यहां से हम लोग ऐसे ब्लॉक को फिक्स कर दिए, एक ब्लॉक को हम लोग फिक्स कर दिए. ठीक है, तो अभी इस ब्लॉक का अपना एक वेट होगा, इस ब्लॉक का अपना एक वेट होगा, जो क्या क्या लगेगा, जो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, इस ब्लॉक का एक वेट होगा जो हमेशा ऐसे लगेगा, जो कि क्या होगा, ग्रेविटी. ठीक, जो हमेशा, इसको ठीक से पूरा बना लेते हैं, इस तरह लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ये जो वेट लग रहा है ग्रेविटी, तो यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स एक्ट हुआ है स्ट्रिंग पे. स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं. तो यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे पुलिंग फोर्स है ना. तो ये टेंशन है, ये टेंशन है, और यहाँ पे ये वेट है जो कि mg के बराबर है. अगर ये मास हो गया स्ट्रिंग पे, ये ब्लॉक पे मास m, ठीक है, तो ये टेंशन हो जाएगा. तो ये टेंशन कब लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाएं, मतलब कोई मास नहीं लगाएं, तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेच होना चाहिए.
स्प्रिंग को हम लोग बोलेंगे आइदर स्ट्रेच्ड और टॉट, है ना, मतलब वो टाइट या टॉट रहे या फिर स्ट्रेच रहे, तभी जाके इस पे टेंशन लग सकता है, अदरवाइज टेंशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या कितना लोड दिया हुआ है, कितना ब्लॉक इस पे लगा हुआ है, मास क्या है ब्लॉक का, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा टेंशन का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन याद रखना हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, डायरेक्शन हमेशा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है एंड अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। देखो यहाँ पे बॉडी है, मास उससे अवे दिख रहा है, एरो हम लोग ऊपर की तरफ बनाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंशन से रिलेटेड हम लोग को याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बोले, पहले तो ये बोले कि टेंशन जो होता है वो हमेशा स्ट्रिंग पे लगता है, ठीक है, टेंशन फोर्स जो होता है वो स्ट्रिंग पे लगता है। तो ये स्ट्रिंग पे है ना, या फिर रोप में, ठीक है, इन सब में स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रेड, ठीक है, इन सब में लगता है टेंशन फोर्स, ठीक है, थ्रेड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, ठीक है, जनरल में स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। ये कब एक्शन में आता है, हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेच्ड होना चाहिए। तो स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग को स्ट्रेच रखना है, मतलब ब्लॉक लगेगा इस पे, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगा तभी टेंशन फोर्स एक्शन में आएगा। तो स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, ठीक है, स्ट्रेच्ड। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं टॉट, टी ए यू टी, टॉट, है ना, टाइट से टॉट आया है, तभी ये टेंशन फोर्स आएगा एक्शन पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी बात किए, इसका नेचर होगा, ये पुलिंग होगा, कैसा नेचर होगा इस फोर्स का, नेचर जो होगा वो पुलिंग नेचर का होगा, मतलब ये पुल कर रहा है, खींचता है ना, पुलिंग, हम लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं तो उस पर टेंशन लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या डिस्कस किए, तुरंत हम लोग ये भी बोले कि इसका डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। अगर डायरेक्शन का बात करें, डायरेक्शन ऑफ टेंशन का अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो टेंशन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये होगा एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से अवे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये होता है इसका डायरेक्शन, पहले तो बोलेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग दिख रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी, इस जगह पे दिख रहा है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो बॉडी से दूर दिखाएंगे टेंशन को, ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स बॉडी नहीं दिखाएंगे, है ना, जहाँ पे मास कनेक्टेड उससे अवे दिखाएंगे, इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द बॉडी हम लोग दिखाते हैं। तो ये हो गया टेंशन, ठीक है, टेंशन एक तरह फोर्स है। अच्छा, टेंशन तो हम लोग पता कर लिए टेंशन क्या होता है, लेकिन हम लोग को एक और बात जानना होगा, स्ट्रिंग का टाइप कितने तरीके का होता है, मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, हम लोग जो स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं वो कितने तरीके का होगा, ठीक है। तो हम लोग को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टाइप कितने तरीके का होता है। देखो, अगर बोला जाए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, तो जनरली हम लोग दो तरीके के स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम लोग दो तरीके का, थोड़ा आवाज आ रहा है इधर, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कुछ काम चल रहा है इधर बगल में, इसलिए
बहुत आवाज आ रहा था, चलो ठीक अब नहीं आएगा आवाज। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, अगर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग का बात किया जाए, तो दो तरीके का स्ट्रिंग होता है, एक होता है आइडियल हम लोग लेंगे, एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। एक हम लोग स्ट्रिंग लेंगे आइडियल, एक हम लोग आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं, आइडियल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा हम लोग बस कंसीडर करते हैं हम लोग बस कंसीडर करते हैं आइडियल स्ट्रिंग पे, और एक लेंगे हम लोग नॉन आइडियल, एक हम लोग लेंगे नॉन आइडियल, ठीक है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग। तो दो तरीके का स्ट्रिंग होगा, एक आइडियल स्ट्रिंग, एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग। जब भी आइडियल स्ट्रिंग का बात करेंगे, इसका मतलब होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी मासलेस, मतलब कोई मास नहीं स्ट्रिंग का। ज्यादातर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम जो होगा अभी लॉज ऑफ मोशन में, ज्यादातर प्रॉब्लम जो होगा हम लोग ये आइडियल स्ट्रिंग लेके ही सॉल्व करेंगे 90% प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम ये भी बताएंगे इसमें नॉन आइडियल स्ट्रिंग लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग का कुछ मास रहेगा, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग मतलब मासलेस हो गया, ये बात याद रखना। और दूसरा इस पे और एक बात याद रखना, पहला ये हो जाएगा कि मासलेस रहेगा, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा आइडियल स्ट्रिंग में, टेंशन जो होगा ना, टेंशन थ्रू आउट, ठीक है, टेंशन थ्रू आउट, टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब इतना समझ लो कि टेंशन जो कॉन्स्टेंट है हर पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन कॉन्स्टेंट रहेगा, एवरी पॉइंट पे, ठीक है, स्ट्रिंग पे हर, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन कॉन्स्टेंट रहेगा। और पहला बात ये बोले कि मासलेस रहेगा, मतलब मास नहीं रहेगा स्ट्रिंग का कुछ, दूसरा टेंशन कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर नॉन आइडियल का बात किया जाए, तो नॉन आइडियल में कुछ ना कुछ मास रहता है, सम अप्रिसिएबल मास होता है, मतलब इसमें मास रहता है, इसपे स्प्रिंग पे क्या होता है, मास रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, इसमें क्या दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये बोलेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब इतना समझ लो कि टेंशन जो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, टेंशन इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। इस पर कॉन्स्टेंट था आइडियल स्ट्रिंग पे, नॉन आइडियल स्ट्रिंग पे कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगा। दो तरीके की स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर करेंगे, एक होगा आइडियल स्ट्रिंग, एक हो जाएगा नॉन आइडियल स्ट्रिंग, ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब भी हम लोग टेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम लोग हमेशा दो तरीके के स्ट्रिंग देखेंगे, बट मैक्सिमम केस में हम लोग आइडियल स्ट्रिंग का कंडीशन ही लेते हैं, इस पर हम लोग मासलेस स्ट्रिंग लेके काम करते हैं, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रखते हैं, और हर एक पॉइंट पे टेंशन को हम लोग कॉन्स्टेंट देखते हैं। वही अगर बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल स्ट्रिंग का, तो नॉन आइडियल स्ट्रिंग पे एक एप्रिसिएबल मास होता है, और टेंशन जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, मतलब टेंशन जो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बात हम लोग टेंशन लेके इसको याद रखेंगे रिलेटेड टू टेंशन। अब कुछ प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, टेंशन का। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेंशन का पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। सर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द लेंथ होगा, लेंथ की तरफ,
मतलब हम बता दे रहे प्रॉब्लम्स बता देंगे, ठीक है? ध्यान दे, क्वेश्चन बस देखो, उससे तुम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक प्रॉब्लम तुमको समझा दे रहे, फिगर डायग्राम लेते हैं टेंशन का पहले, उसमें तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, देखो अलोंग द लेंथ का मतलब जो थ्रेड है ना, जो स्ट्रिंग है उसी के अलोंग होगा, है ना, थ्रेड में ही होगा, थ्रेड के अलोंग होगा। रुको एक सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कुछ। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। इस पे क्या दिया, पूछना कोई डाउट होगा तो पहले इसको देखो। इस पे दिया इन द सिस्टम, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर पुली इज़ स्मूथ। क्वेश्चन लिख लो पहले, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर पुली इज़ स्मूथ, फिर बोला जा रहा है स्ट्रिंग इज मासलेस एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस मतलब आइडियल स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब इनएक्सटेंसिबल मतलब वर्ड का मतलब समझ लेना कि जो जिसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, मतलब कांस्टेंट लेंथ होगा, है ना, मतलब क्या बोले, स्प्रिंग टाइप का नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है ना, मतलब कि आइडियल कंडीशन, इनएक्सटेंसिबल। क्वेश्चन लिख लो सभी लोग, क्या बोला जा रहा है, आराम से देखो। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर पुली इज स्मूथ एंड द पुली इज स्मूथ स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब स्ट्रिंग जो मासलेस आइडियल है और इनएक्सटेंसिबल है, और पुली स्मूथ का मतलब कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड एक्सीलरेशन acceleration of the system ठीक, actual system A और tension T1 and T2, ठीक है, T1 T2। इसमें एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी जी को क्या लेना है, 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, इसका डायग्राम हम बता देते पहले ताकि तुम इस डायग्राम को बना पाओ। देखो क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग पहले जल्दी। इन सिस्टम शोन इन द फिगर पूरे स्मूथ, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ए टेंशन T1 एंड T2। इसको बोलते हैं फ्री बॉय डायग्राम, हम लोग ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझ लो कि यहाँ पे ऐसे पुली लगा हुआ है, पुली मतलब एक इस तरह का सर्कुलर टाइप का, है ना, इसके ऊपर से थ्रेड पार होता है जो कुआं वगैरह में लगा रहता है ना, उसी तरह का पुली दिखता है। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है इस तरह, एक सेकेंड रुको, सॉरी थोड़ा सा खराब हो गया। हाँ यहाँ पे देखो ऊपर ऐसे एक रिजिट, अरे बाप इधर चला जा रहा है, एक सेकंड रुको, हाँ इसको ठीक से बना देते हैं, हाँ यहाँ पे बनाते हैं, चलो सही नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिजिट सपोर्ट है और यहाँ से मान लो कि पुली लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक थ्रेड गया हुआ है इसके ऊपर से इस तरह, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है 2 kg का, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है 2 kg का और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये थ्रेड गया हुआ ऊपर, ऐसे ऊपर से गया हुआ इस तरह, ठीक है, इधर से आ रहा है ऐसे, तो समझ जाओ ठीक से।
और यहाँ से एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है विच इज 4 kg, ऐसे ब्लॉक एक लगा हुआ है यहाँ पे 4 kg का, 4 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है और इसके नीचे 6 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है 6 kg का, ठीक है। तो ये 4 kg हो गया, यहाँ पे ये 6 kg हो गया, सब केजी में। और यहाँ पे ना एक देखो, अब ये थ्रेड एक ही है, ये वाला स्ट्रिंग एक है, मतलब ब्लॉक जो ब्लॉक 2 से लेके ब्लॉक 4 तक गया है वो एक सिंगल स्ट्रिंग है, और ब्लॉक 4 से 6 तक गया वो दूसरा स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेंशन लोग T1 मान लेते हैं यहाँ के टेंशन को, तो यहाँ का भी T1 ही होगा, क्यों? क्योंकि एक मासलेस स्ट्रिंग है, पहले बोले थे आइडियल स्ट्रिंग ले रहे हम लोग। दूसरा, मासलेस स्ट्रिंग पे क्या होता है, टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होता है, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट और द टेंशन इज कॉन्स्टेंट एंड एट एवरी पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे दूसरा थ्रेड है 4 से 6 के बीच में, तो इधर के टेंशन हम लोग T2 बोल दिए, T2 नाम दे दिए, T2, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड T1 एंड T2, ये समझ में आ गया। तो अब देखो सिस्टम जो है मूव करेगा, क्योंकि इधर 2 ही kg है मास और यहाँ इधर मिला के, मतलब अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड का हम बात करें तो ओनली 2 kg का मास है, और राइट हैंड साइड पे देखे तो 6 + 4 10 kg का मास है, तो डेफिनेटली इधर वेट ज्यादा लगेगा, तो सिस्टम मूव करेगा। तो सिस्टम यदि मूव करेगा तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन हम लोग अगर ए लेते हैं तो यहाँ का भी ए ले लेंगे, ऐसे इधर एक्सीलरेट करेगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है टेंशन T1 एंड T2, इसके साथ साथ टोटल एक्सीलरेशन। अब जैसे तुम में से कोई पूछ रहे थे अभी कि सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टेंशन का, तो देखो डायरेक्शन मतलब ऐसा, देखो ये अलोंग द लेंथ ही है, मतलब यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट जाएगा, यहाँ से भी अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट जाएगा, पुलिंग फोर्स है, तो यहाँ से ब्लॉक से पुल करता हुआ दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, है ना, ये डायरेक्शन होगा टेंशन का, और मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक, हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग FBD ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन, फर्स्ट हम लोग को निकालना है क्या, एक्सीलरेशन। तो सुनो एक्सीलरेशन का एक तरीका बता रहे निकालने का, बहुत ही सिंपल, इसको याद रखना। देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करेंगे, हम लोग ए मतलब जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, पर हम लोग कल ही पढ़े थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो यहां से हम लोग ए लिखते हैं, तो ए का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब क्या है यहाँ पे, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। इस फॉर्मूला को याद रखना हमेशा, मतलब इस तरह के सिस्टम में अगर ऐसा तुमको ब्लॉक और पुली वाला सिस्टम दिखे तो उसमें ये वाले फॉर्मूला को जरूर याद रखना, ठीक है, इसे डायरेक्ट एक्शन मिल जाएगा, ऐसे इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत आसानी से हम लोग को एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ये कब यूज करेंगे हम लोग, ये हम लोग यूज करेंगे इसी तरह के ब्लॉक और पुली वाले सिस्टम पे, जिसमें इस तरह ब्लॉक रहेगा, पुली रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, है ना, तो इसमें हम लोग को बहुत ही सुविधा होगा डायरेक्ट एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब देखो ध्यान से इसमें इस डायग्राम पे, तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स का बात करें अगर, तो इधर हम लोग को क्या लग रहा है, 6 kg लग रहा है। अब पहले हम लोग राइट हैंड साइड को लिखते हैं, वेट कितना है, 6 mass है और जी का वैल्यू 10 है, तो वेट हो जाएगा 60 प्लस 4 kg, तो 4 और जी का वैल्यू है 10, तो 40 माइनस कर रहे हैं कि क्या, 20 से 2 × 10। देखो इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ वेट ज्यादा है, तो जिधर नीचे वेट ज्यादा है उधर पहले उसको लिखेंगे हम लोग 6 × 10, इस रूल को याद रखो, mg, तो इसका वेट कितना, 6 kg मास है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10 होता है, तो 6 × 10 60 हो गया, प्लस इसका 4 kg मास और जी का वैल्यू 10 है, तो 40 माइनस हम लोग 20 लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका वेट कम है, पुलिंग फोर्स खींच रहा है ये वाला,
पूरे सिस्टम को 6 kg और 4 kg मिलके ही पुल कर रहा है, और माइनस करना पड़ेगा 2 × 10। बोलो समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, 2 × 10, ठीक है, और डिवाइड करोगे टोटल मास से। टोटल मास कितना है यहाँ पे, टोटल मास हो जाएगा 6 + 4 + 2 है ना, टोटल मास होगा 6 kg + 4 kg + 2 kg। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें 60 + 40 100 - 20 80 by 10 = मतलब आएगा 20/3। हाँ 20/3, देखो तो ये डायरेक्ट हम लोग को मिल गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। तो हम लोग का एक पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग को चाहिए टेंशन T1 और T2। तो इसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। पहले एक्शन निकाल लिए, अब हम लोग को टेंशन T1 और T2 चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते उसको, ये ऐसे तुम्हें समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, ये तुरंत बन जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है। तो एक बार बस सीख जाओ इसको और इसको खुद से बनाओगे, ऐसा बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे देखो ये ब्लॉक है, तो हम लोग इसका FBD बना रहे हैं। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब क्या क्या नेट फोर्स लग रहा है। तो 2 kg ब्लॉक अगर दिखाया जाए, तो 2 kg के ब्लॉक में ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T1, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है कितना 20, और इधर एक्सीलरेशन लग रहा था A ऊपर की तरफ। देखो 2 kg ब्लॉक में, देखो इसको बना दिया अलग से, ठीक। इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कैसे लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन को ध्यान दो, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखो जैसे एक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो T1 को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, T1 - 20 = 2A। A में न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है ऊपर की तरफ T1, डाउनवर्ड की तरफ 20 इक्वल टू 2A, 2 इज द मास, A इज द एक्सीलरेशन। सो T - 20 = 2A, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टेंशन T1। अब यहां पे हम लोग T1 को लिख सकते हैं 2A + 20, और हम लोग A के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए थे इसके पहले। तो A कितना है अपने पास 20/3, तो A का वैल्यू पुट कर देंगे 20/3 + 20, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा यहां से 100/3, ठीक है। तो इस तरह हम लोग T2 फाइंड करते हैं। अब तो T2 के लिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, कोई डाउट है तब भी पूछो। देखो यहाँ पे ऐसे टेंशन, ऊपर T2 लग रहा था कितने केजी के लिए, 6 kg के लिए बना देते हैं, ठीक है, 6 kg के लिए, 6 kg पे T2 लग रहा था, इधर कितना लगेगा, नीचे 60 लग रहा था उसका वेट, और एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा था A, ठीक है। देखो डायग्राम में यहाँ पे, देखो इस पोर्शन में, ठीक है, T2 60 और A तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 A पहले 60 वेट ज्यादा है, तो 60 को पहले लिखना पड़ेगा, 60 - T2 = 6A, ठीक है। तो यहां से हम लोग को T2 चाहिए, तो T2 कितना हो जाएगा, 60 - 6A, ठीक है, A का वैल्यू है 20/3, तो यहां पे आ जाएगा 60/3 सॉल्व करने से, ठीक है, न्यूटन। तो T2 हो जाएगा इतना। बोलो डाउट है कुछ किसी को, दूसरा पार्ट का आंसर होगा, ठीक है, बोलो डाउट है यहां तक समझने में, दोनों टेंशन फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है, ऋषि समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। बाकी लोगों को, प्रशांत, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग देते हैं, आप खुद से बनाओ, तुम इसी तरह का, ठीक है ना, ऐसे ही बनाओगे, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब
इसी तरह का बस डेटा चेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, उसका दूसरा टाइप के क्वेश्चन देंगे। पहले इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन एक देते हैं, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताना आंसर, बताना क्या होगा। सर 60/3 न्यूटन को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 न्यूटन है ना, लिख सकते हैं 20 न्यूटन लिख दो। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब 20/3, 100/3 और 60/3 फॉर्म में लिखे थे, इसीलिए ऐसे लिखे हैं, मतलब सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है 20 न्यूटन आएगा, ये भी चलेगा लिखे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक बस डायग्राम बना दे रहे हैं, आंसर बोलना क्या होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग को एक्सेशन निकालना है, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इस तरह पुली लगा हुआ है और इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है 4 kg का, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है 4 kg का और इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है 3 kg का, ठीक है, एक ब्लॉक लगा हुआ है 3 kg का, 4 kg का ब्लॉक और इधर 3 kg का ब्लॉक, ठीक है, और इसके नीचे लगा हुआ एक 1 kg का ब्लॉक, मतलब सिस्टम मूव करेगा इस डायरेक्शन में, कंसीडर कर लेना, ठीक है। चलो इस पे निकालो टेंशन और एक्सीलरेशन, सिस्टम ऐसे मूव करेगा, कंसीडर कर लो इस तरह का ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन होगा T1 क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ये, तो यहाँ पे भी T1 और यहाँ पे T2, क्या क्या फाइंड करना है फाइंड कर लो जल्दी से, आंसर बताना, F बताओ कितना होगा और T1 और T2 कितना होगा ये बताओ जल्दी, ठीक, फाइंड आउट A एंड T1 एंड T2, अब इस तरह बनाए हैं, ठीक। We have to find acceleration of the system and tension T1 and T2. सर एक्सेलरेशन 10/9, एक्सेलरेशन 10/9 आया, 40 इधर से आएगा, देखते हैं रुको एक सेकंड, 40 - 4 मतलब 30, हां 30 + 10 असिस 10/9, हां ठीक है, वेरी गुड, टेंशन निकालो, तो टेंशन वाला फ्री बॉडी डायग्राम्स का क्वेश्चन सर, अच्छा तुम लोगों को बुकलेट एक दो दिन में मिल जाएगा इसका, सर को बोल दिए हैं, तब तक प्रीवियस बुकलेट में जो बचा हुआ उसको बनाओ क्वेश्चंस को। चलो टेंशन निकालो फटाफट, एक और क्वेश्चन समझाएंगे इस तरह का, ठीक है। एक्सेशन आ गया कितना 10/9, 10/9 आ रहा है, नहीं 10/9 तो नहीं आ रहा एक्सेलरेशन, राइट साइड में 3 और 1 है ना? हाँ 3 और 1 है सर, 1 है, 2 लिए क्या? यस सर 2 ले लिए, अच्छा 2 लेके ही बनाओ, इसमें 1 में 0 आ जाएगा, 2 लेके ही बनाओ, चलो 2 ही ले लो, सुविधा होगा तुम लोगों, ठीक है 2 ले लो, 2 ले लो इधर, इसको 2 ही ले लो, ठीक
वन लोगे तो जीरो आ जाएगा एक्सटेंशन, फिर टू ले लो तब टेन, तब ठीक है टेन में नहीं आना चाहिए, इसको टू लेके बनाओ, टू लेके टेंसर में निकालो टी वन टी टू, जल्दी बनाओ थोड़ा, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया ना, बोलो सर। टी वन आया 400/9, अच्छा ठीक, और टी टू ठीक है, देखते बना के हम लोग भी, हम भी बनाते हैं, ठीक है चलो देखो, ठीक है सही बनाए होंगे अगर ठीक आंसर आ गया तो, सबका सबके इक्वल आ गया तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स निकालो सबसे पहले, तो 3 × 10 सिखाए जैसे वेट, इधर का वेट प्लस माइनस करेंगे 40 से, तो इसका वेट कितना 30, 3 × 10 प्लस 2 × 10 माइनस कर देंगे हम लोग 4 × 10 डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा 4, 3, 7, 8, 9, हाँ 10/9 ठीक है सर। T2 निकला 160/9 न्यूटन, अच्छा ठीक वेरी गुड, तो 50 - 40 मतलब 10/9 एक्सटेंशन हो जाएगा है ना, ठीक है बस अब टेंशन निकालो, कैलकुलेशन नहीं करना है, तो टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम तुम यहाँ पे देख रहे हो जैसे, तो इधर कितना है 4 है, तो 4 मतलब लिख दो, 4 लिख दो, ऊपर लग रहा था टेंशन T1, यहाँ पे इसका वेट लग रहा है 40 और इधर लग रहा है एक्सीलरेशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले T1 को लिखेंगे, T1 - 40 ऊपर का एक्सीलरेशन लग रहा है इसीलिए इक्वल टू 4a, न्यूटन का सेकंड लॉ से नेट नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है तो यहाँ पे हम एक वैल्यू को फाइंड आउट तो कर लिए, तो T1 निकालो जल्दी से, तो कितना होगा 4a + 40, ठीक है तो जो भी आएगा उतना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे T1 का वैल्यू हो जाएगा 4, a है 10/9 प्लस 40, सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा 40 प्लस 49 जो 36/9 यही आया था ना, बोलो यस सर, ठीक है तो आ जाएगा कितना 400/9 न्यूटन। सीधा T2 निकाल लेना, T2 के लिए क्या करोगे, कैसा डायग्राम बना दो ब्लॉक, फिर फ्री बॉय डायग्राम, T2 में इधर फिर लग रहा था 2 kg पे लग रहा है, तो 2 लिख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे T2, यहाँ पे 20, इधर लग रहा है A, तो 20 - T2 = 2A, ठीक है तो यहाँ पे हम लोग T2 को फाइंड आउट कर लेंगे, जो हो जाएगा 20 - 2A, बस वैल्यू पुट कर दो अब A का, तो T2 हो जाएगा 20 - 2 और A हम लोग निकाल लिए थे 10/9, तो हो जाएगा 20 - 20/9 ठीक है, तो 180 - 160/9 ठीक वेरी गुड, आंसर सही बताए तुम लोग, इतना न्यूटन आ जाएगा T2, ये T1 था सॉरी, यहाँ पे हम T2 क्यों लिख दिए, T1 होगा ना, चलो ये तो हो गया, एक और क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ तो, इसको हम थोड़ा हिंट दे देते कैसे बनाओगे, सुना इस क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट देते, ध्यान देना हिंट क्या देंगे ठीक, और फिर तुम लोग खुद से बना लोगे इसको, क्वेश्चन ये है कि एक टेबल है ऐसा, जैसे मान लो कि एक ऐसा टेबल है टेबल टॉप, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज, और इस ब्लॉक का मास हम लोग लिख लेते हैं 2 kg ठीक है, और यहां से फिर से एक मासलेस स्ट्रिंग गया और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, और यहाँ पे थ्रेड से गया हुआ धागा, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है 4 kg, तो टेंशन सेम होगा, एक ही स्ट्रिंग है ठीक, और यहाँ पे एक्सीलरेशन है ऐसा डायरेक्शन पे, ऑब्वियसली नीचे जाएगा इस तरह, सिस्टम रिलीज करेगा
तो इस सवाल पे निकालना है टेंशन कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा. अच्छा, जब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो नेट पुलिंग फोर्स जो है वो तुम्हारा सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जो है 4 kg वाला. क्योंकि देखो ये ना, इसका जो वेट लग रहा है, इसके वेट को नॉर्मल लेग्स ने बैलेंस कर दे रहा है. क्योंकि इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ लगेगा अगर, ऐसे 2g, तो ऊपर इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, बैलेंस कर देगा इसको. तो इसीलिए ये 2g वाला वेट काम नहीं आएगा, टेंशन लगेगा नेट फोर्स की वजह से. तो नेट फोर्स टी जो होगा वो नेट फोर्स मतलब 2a के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे. समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? देखो क्या बोल रहे थे यार, वेट लिख के लो फायदा नहीं है कुछ. पहला इक्वेशन यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो टी होगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. तो 2 × एक्सीलरेशन कितना है, a है 2a, तो यही होगा इसके लिए इक्वेशन एक बस. क्योंकि यहाँ पे देखो टी को तो mg बैलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन ऐसा है इधर है, और mg यहाँ पे अपने लग रहा है हम लोग का, नीचे लगता है हमेशा. तो mg को यहाँ पे बैलेंस कर देगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स. तो इसी वजह से mg का यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख रहे हम लोग, है ना. mg को तो नॉर्मल कैंसिल आउट कर दे रहा है, टेबल पे रखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे. लेकिन mg को टेंशन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि mg और टेंशन इस तरह लग रहा है ठीक. तो पहला एक हो जाएगा फर्स्ट इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटरेक्शन. सेकेंड इक्वेशन देखा जाए तो क्या, 4g माइनस टी इक्वल टू 4a, दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहां सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर लो, एक वैल्यू निकाल लो. ठीक है, उसके ए निकालने का 3 मिल जाएगा. तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकालेंगे, 4g माइनस टी इक्वल टू था 4a. अब यहाँ पे t का वैल्यू कितना आया है, 2a आ गया, तो 2a इक्वल टू 4a. तो इसीलिए यहां से हम लोग को हो जाएगा 4g इक्वल टू 6a. ठीक है, तो यहां से हमको a मिल गया 4g/6. हाँ, तो यानी कि 40/6 यानी 20/3. तो आएगा सॉल्व करने से कितना, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम लोग मिल गया एक्सीलरेशन. तो अब टेंशन निकालना है. अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे वैल्यू को, तो टेंशन हम लोग को मिल जाएगा. ठीक है, तो 1 और 2 किसी में भी रख देंगे. तो अगर हम लोग 1 पे रखे तो 4g माइनस टी कितना था, 4a था. ठीक है, तो यहां से टी निकालो, तो 4g माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 4 × 20 × 20/3. ठीक है ना, तो 40 माइनस टी इक्वल टू 80/3 हो जाएगा. बस यहाँ सॉल्व कर लो, तो t इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस 80/3. ठीक है, 120 माइनस 80/3 मतलब 20/3 आएगा टेंशन, सॉरी 40/3 आ जाएगा सॉल्व करने से, 40/3 न्यूटन ही आंसर हो जाएगा. ठीक है, बोलो क्या है, समझ में आ गया इसको, ये वाला क्वेश्चन बताओ. यस सर. ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करना. इसमें ना रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट को, ये तुम लोग जानते हो, वेक्टर में तुम लोग पढ़ाए थे कैसे रिजॉल्व करते हैं. तो ऐसा कोई भारी भरकम चीज नहीं है, आसानी से हो जाएगा. ऐसा कि इंक्लाइंड है, ठीक है, इस तरह इंक्लाइंड बना हुआ है. ऐसे रफ डायग्राम बना लिए थोड़ा, है ना. तो इंक्लाइंड है, और यहाँ पे मान लो कि 60 डिग्री दिया हुआ एंगल, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30. ये क्वेश्चन हो गया एक. अब यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है a, इस ब्लॉक का मास a है. ठीक है,
यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है बी, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और यहाँ पे एक तीसरा ब्लॉक लगा हुआ है विच इज कॉल्ड सी, ठीक है। तो ए बी सी तीन ब्लॉक है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में एक स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है, और बी और सी के बीच में दूसरा स्ट्रिंग है, मासलेस है दोनों। तो अपने मन से हम लोग यहाँ पे टी वन मान सकते हैं इसको, है ना, इसको टी वन मान लिए और इसको हम लोग पूरे को टी टू मान लिए, मतलब ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है टी टू। और सपोज मान लो कि ए का मास है 1 kg, ठीक है, बी का मास दिया हुआ है 3 kg और सी का मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक। तो इसमें भी हम लोग वही काम करना है, टेंशन निकालिए और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम को फाइंड आउट कीजिए। तो इस पे भी क्या करना है, फाइंड टी वन एंड टी टू, फाइंड ए एक्सेलरेशन। सुनो इसको कैसे करोगे, हम एक हिंट दे देते हैं ताकि तुम लोग अपने से बना सको। एक तरफ का हम बता देते हैं, जैसे मान लो इधर का हम बताते हैं, तो इस ब्लॉक पे हमेशा वेट नीचे की तरफ लगेगा, सबको पता है mg, हम लोग रिजॉल्व करने सीखे थे वेक्टर में। तो अगर ऐसा mg लग रहा है तो mg को हम लोग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में, इंक्लाइन प्लेन है तो अगर ये mg है तो ये हो जाएगा mg, ये थीटा है ना तो ये भी थीटा 30, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है, ये भी 30, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos 30, ठीक से लिख लेना कॉपी में। और ये हो जाएगा mg sin 30 इधर, ठीक है, mg sin 30। mg cos 30 को बैलेंस कर देगा नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में, इसीलिए तो नॉर्मल इसको बैलेंस कर देगा, इसलिए वो कट जाएगा। अभी नॉर्मल तो पूछा नहीं, तो नॉर्मल निकालेंगे नहीं हम लोग। mg sin 30 इधर लग रहा है इसका वेट, यहाँ पे t2 लग रहा है, और नेट किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखा देना मान लो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखा देना, सपोज ऐसे दिखा दो एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का ऐसा दिखा दो एक्सेलरेशन। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, mg sin 30, mg sin 30 है ना, ये तो जाएगा mg sin 30 माइनस t2 इक्वल टू ma, ma कर देना, ये एक्सेलरेशन है, ये मास दिया हुआ है। उसी तरह a और b का भी रिजॉल्व करो, तो ए और बी का रिजॉल्व करोगे अगर, तो यहाँ पे एम जी लाएगा, अगर ऐसे एम जी लाएगा नीचे की तरफ, यहाँ भी एम जी लाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कितना, एम जी कॉस 60 होगा ना, एम जी कॉस 60, तो ये हो जाएगा एम जी साइन 60, एम जी मतलब एम ए, यहाँ पे एम ए जी साइन 60। सिमिलरली इसमें कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ लिख देते हैं एम ए एम बी जी साइन 60, ठीक है, यहाँ पे टी टू है, तो टी वन टी टू निकालना। तो इसको सिर्फ ले लो, इसको एक सिस्टम को ले लो, एम ए जी साइन 60 वाले को, और दोनों में से किसी एक को ले लो, सी को ले लो एम जी, ये वाला ले लो एम जी साइन 30 वाला सिस्टम कंसिडर कर लो, ठीक है। तो दोनों से एक बार निकालो तो कितना होगा, चलो हम क्या बताएं, समझ में आ गया ना, रिजॉल्व करके सॉल्व करो तो कितना आएगा बताओ, कोई भी बता सकते हैं, नहीं बना होगा तो हम बता ही देंगे अभी, बट एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। समझ में आ गया ना, किसी ए या ए और सी ब्लॉक को लेकर बना लो, तुरंत बन जाएगा, ठीक है, एफबीडी बना लो दोनों का, मुझे आंसर बोलना कितना आ रहा है। क्या ऋषि समझ आ रहा है कुछ, ऋषि राज? यस सर, बना रहे हैं, बनाओ बनाओ।
सर एक्सेलरेशन 4.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4.1. यस सर 4.1. वेरी गुड. एक्सेलरेशन आएगा 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, सही निकाले हैं. टेंशन निकाल दो T1 T2. एक्सेलरेशन का सही आंसर आया है. बाकी लोग भी देखो 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. नेट पुलिंग फोर्स निकाला है. नेट पुलिंग फोर्स करके. यस सर. ठीक ठीक ठीक. बस टेंशन निकल जाएगा. एक्सेल निकल गया टेंशन भी आ जाएगा. आंसर हम लोग इसके बाद वाले क्लास मतलब अगला क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग. देखो हम लोग भी बनाते हैं इसको. बाकी लोग भी देखो. ठीक है हम सॉल्व करते हैं. बाकी लोग देखो. तो यदि हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन मतलब नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास. तो अगर हम लोग को नेट पुलिंग फोर्स चाहिए ठीक है तो नेट पुलिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम ए जी साइन 60 है ना प्लस कितना एम बी जी. रिजोल्व कर लिए थे हम लोग साइन वाला कंपोनेंट. साइन 60 माइनस करना पड़ेगा एम सी जी साइन 30. बस वैल्यू पुट कर दो. तो मास दिया 1 kg एमए का. जी का रूट 10 और साइन 60 का रूट 3/2 प्लस इसका 3 kg था एमबी का. साइन 60 फर्दर रूट 3/2 हो जाएगा. तो माइनस कर रहे हैं 2 10 और इसका हो जाएगा 1/2. T1 4.56 न्यूटन. वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है तो यहां से आ जाएगा 24.64 न्यूटन. ये होगा पुलिंग फोर्स. और टोटल मास सिस्टम का दिया हुआ है तो टोटल मास हो जाएगा टोटल मास 1 प्लस 3 प्लस 2 6 kg टोटल मास हो गया. तो इसलिए अगर एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को तो हो जाएगा 24 पॉइंट. सभी का बन जाना चाहिए तो सिंपल है बहुत. ऐसा सीख गए हो. अब देखो इसमें ना हम लोग आइडियल मास लेके अभी मतलब मासलेस स्ट्रिंग लेके कर रहे हैं. कुछ मास वाली स्ट्रिंग का भी पढ़ाएंगे बाद में. अभी नहीं बाद में उसको पढ़ाएंगे. ज्यादातर केस हम लोग आइडियल स्ट्रिंग लेंगे बट कुछ मास वाला स्ट्रिंग का ही बताएंगे बाद में. ठीक है चलो ये निकल गया हम लोग एक्सेलरेशन. टेंशन निकालो. तो टेंशन के लिए किसी का भी एफबीडी बना दो. तो ए ब्लॉक का बनाते हैं. तो ए ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे तो एम ए जी साइन 60 है ना माइनस T1 कर दो इक्वल लिख दो एम ए. जैसे ऐसे ब्लॉक था इंक्लाइन पे तो इधर लग रहा था T1 यहाँ पे A लग रहा था ऐसे और इस तरह लग रहा था इधर MAG. सर T2 18.2. ठीक वेरी गुड. T2 is 18.2. तो यहाँ से बस हमको T1 निकाल लेना है हम लोग को सारा वैल्यू को पुट करके. सॉरी यहाँ 2 होगा ना. बस वैल्यू तो पुट करना और क्या. सब तो हम लोग को वैल्यू आता ही है. सब दिया हुआ है. वैल्यू पुट कर दो. इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 4.56 न्यूटन. ठीक है और इसी तरह T2 निकालोगे. T2 के इक्वेशन लिख देते हैं. क्या लिखोगे?
का इक्वेशन आएगा, टी टू के लिए फ्री वर्ड डायग्राम बना देना सी वाला लेके, सी ब्लॉक लेके, तो यहाँ पे लग रहा था एम जी साइन 30, इधर लग रहा था टी टू, यहाँ पे लग रहा था ए ऊपर की तरफ, तो बस टी टू माइनस एम सी जी साइन 30 इक्वल टू एम सी ए, ठीक है। तो यहां से टी टू का सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2 4.1, कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं 10, और यहाँ हाफ बचेगा ना, हाफ, हाँ तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 18.2 न्यूटन। तो दो आंसर हो गया, ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आज हम लोग जो 4-5 प्रॉब्लम किए हैं टेंशन का, कितना क्वेश्चन किए होंगे, एक ये वाला, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, और ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा। तो ये टेंशन का ऑलमोस्ट बहुत कुछ डिस्कशन हम लोग थोड़ा बहुत किए हैं, ठीक है। अब अगला क्लास में, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में मतलब अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन के हमें पढ़ेंगे, या फिर कंस्ट्रेंट पहले पढ़ लेंगे, पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ लेंगे अगला क्लास में, और उसी में जब टाइम बच जाएगा उस क्लास में तो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो इसके बाद वाले क्लास में नॉर्मल फोर्स और कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद हम लोग फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और भी, और फिर हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ये सूडो फोर्स, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर टॉपिक सब है, और बहुत प्रॉब्लम भी बनिया बने इसमें आएगा, तो ठीक है, इसको पढ़ते रहना घर में। इसका मॉड्यूल बोलेंगे सर को दे देना जल्दी से, और मॉड्यूल से होमवर्क भी देना शुरू करेंगे, वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आज यहीं तक।